दिल्ली में जब भी विधानसभा चुनाव हुआ है, नई दिल्ली सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। पिछले 5 बार से दिल्ली को इस सीट से मुख्यमंत्री मिलते रहे हैं। इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी थी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लगातार 2 बार यहां से जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं। केजरीवाल 2013 में शीला दीक्षित को हराकर मुख्यमंत्री बने थे और दूसरी बार 2015 में रिकॉर्ड मतों से जीतकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुए थे। ऐसे में केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हैट्रिक लगाने के मकसद से मैदान में उतरे हैं। वहीं केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने के लिए विपक्षी दलों को कैंडिडेट के चयन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसके बाद भाजपा ने युवा मोर्चे के नेता सुनील यादव के नाम पर मुहर लगाई है, तो कांग्रेस ने NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोमेश सभरवाल पर भरोसा जताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में भाजपा इस बार मोदी सरकार के कामकाज को आगे रखकर सीट पर जीतने की कोशिश करेगी। तो वहीं देखना यह भी होगा कि रोमेश सभरवाल शीला दीक्षित की राजनीतिक विरासत को केजरीवाल से छीन पाते हैं या फिर नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।